Hallelujah. So, आए आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और वाज 12 बाब उसकी पहली आयत को देखेंगे. इको बंद करें इसका. पास्टर इरफान जल्दी से सामने आ जाएं, आप पढ़ने में एक बार रहनुमाई कीजिएगा. वाज 12 बाब उसकी पहली आयत. खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि हनुज बुरे दिन हनुज नहीं आए और वो बस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं. आमीन. और अपनी जवानी के दिनों में, हाँ जी, किसको याद कर, किसको याद कर, जरा ऊंचा बोले ना, डरते क्यों है, किसको याद कर, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर. लेकिन इससे पहले कि हम इस हवाले को देखें, मैं ये जानना चाहूंगा कि जवान क्या है, इसको डिस्क्राइब करते हैं पहले, ताकि हमें पता चले कि जवान कौन है और क्या है, कैसा है. आमीन. सो आप में से मैं किसी के पास आ सकता हूं इस एक आंसर को लेने के लिए कि जवान कौन है और क्या है. हाँ जी राशिद भाई, आप सामने आ जाएं एक बार जल्दी से. जिनके नाम याद हैं वो तो जरा कॉन्शियस होके बैठे हैं, क्योंकि उनके नाम मुझे याद है. जी, जवान को एक लफ्ज में या एक हर्फ में या एक जुमले में आप कैसे बयान करते हैं? जवान यानी कि जो एक जो एज है यानी 45 से कम या 35 से कम, उन्हें जवान कह सकते हैं. उन्हें जवान कह सकते हैं. थैंक यू. इसी तरह बहनों में से रिया आप आ जाओ. रिया का मुझे नाम बड़ा अच्छा याद हो गया क्योंकि मेरे साथ बाइबल क्लास में है. जवान कैसा होता है? आज के मौसमी जो जवान वो नखरे वाले होते हैं बैठने. थैंक यू जी. और पास्टर नदीम रॉबर्ट साहब आप भी सामने आए, और अना बूटा जल्दी से सामने आ जाए आप भी. जवान कैसा होता है? मंडी होता है. जबरदस्त. जल्दी से आना, सामने आ जाओ. और संडे स्कूल टीचर्स में से आप जल्दी से सामने आ जाएं. मेरे ख्याल से तो एक जवान जो आजकल देखा जाए जोश और ताकत से भरा होता है. जबरदस्त. जोश और ताकत से भरा हुआ उसे जवान कहते हैं. शाम आप भी सामने आए जल्दी से. डिस्क्राइब करना है आपने भी, जल्दी से सामने आ जाए. जवान एक्टिव होता है जवान उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. निशान भाई आजकल जो नौजवान है अगर वो खुदा का खादम है जबरदस्त. बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैंने कुछ चीजें नोट की थी. बहुत रियर है, बहुत आम तौर पर पाई जाती हैं जिनको मैंने नोट किया है. एक तो रिया ने देख लिया था, शायद उसने चीटिंग की है. जवान कौन होता है जी? नखरे वाला. बहन सोफिया आप भी आ जाए. जवान होता है जी नखरे वाला. उसको कोई काम कहा जाए ना, बहुत नखरे हैं उसके. अगर तो उसने खुद कोई काम करना है तो उसमें वो एक्टिव है. इस आंसर को मैं जो है ना निग्लेक्ट नहीं करूंगा. वो एक्टिव होता है
अगर उसने खुद कुछ करना है, अगर उसने क्रिकेट खेलने जाना है, वो एक्टिव है। अगर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जाना है, वो एक्टिव है। अगर उसने अपनी सहेलियों के साथ कहीं पार्टी करनी है, वो एक्टिव है। लेकिन जब उसे कोई बुजुर्गों में से कोई काम दे दे, तो मैंने तो ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। जी बहन, आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि जवान का जो असल में मायने है, वो बचपन की एज के बाद जो नया होता है ना, उसको कहते हैं नौजवान, यानी कि वो नया जवान हो। तो मैं इसके डेफिनेशन कहना चाहती थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बचपन की, जहां हम टीनेज लेते हैं, वहां से उसे जवान कहा जाता है। 12 साल की उम्र से आगे जो है ना, तकरीबन 28-30 साल की उम्र तक नौजवान होता है, जवान होता है। तो पहला आंसर मेरे पास, और अपनी मर्जी करने वाला जवान कौन होता है? किसी की मर्जी नहीं, या किसी की मर्जी पे चलता है? अपनी मर्जी पे चलता है, किसी की मर्जी पे नहीं चलता। लाख उसे कहा जाए ये काम आपके भले में है, वो नहीं मानेगा। वो यही कहेगा, मैं खुद इस बात को जानता हूं, आई एम एडल्ट, अब मैं ग्रोन अप हो चुका हूं, और मुझे आपकी तंबीह की या आपकी इसलाह की, नसीहत की जरूरत नहीं। ये जवान होता है। और बड़ा अच्छा लफ्ज आया है, कौन होता है? बदतमीज, बड़ा बदतमीज होता है जवान। निहायत ही कई बड़े सुलझे भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह रोशो कह रहा है, मेरी तरह कई सुलझे भी होते हैं। कई सुलझे भी होते हैं, लेकिन कई बहुत बदतमीज भी होते हैं, और मोस्टली देखा गया है बदतमीज ही होते हैं। मोस्टली एनालाइज किया गया है कि वो बदतमीज होते हैं। मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए इसके बारे में। बात ना मानने वाला, अपनी मर्जी करने वाला, बात ना मानने वाला, वही सेम हो गया। सो एक फ्रेम ये है कि जवान ऐसा होता है, और एक फ्रेम ये है कि विजनरी होता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा एम्स होते हैं, आगे बढ़ना चाहता है, आगे बहुत से काम करना चाहता है, एनर्जेटिक होता है। बहन ने बड़ी अच्छी बात बताई है, एनर्जेटिक होता है, विजनरी होता है, गोल उसके पास बहुत से होते हैं जिनको वो हासिल करना चाहता है, जिनको वो एम्स को अपने अचीव करना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? नौजवान, जवान या नौजवान। बदतमीज को भी नौजवान कहते हैं, और जो विजनरी होता है उसे भी नौजवान ही कहते हैं। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने हवाला पढ़ा था, अपनी जवानी के दिनों में अपने, जरा ऊंचा बोल दिया करें, अपने खालिक को याद कर। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। लेकिन एक सवाल यहां पे उठता है, जिसको हम देखेंगे। अपनी जवानी के दिनों में क्यों अपने खालिक को याद करें? कोई रीजन होगी ना। हम और बहुत से नौजवानों को देखते हैं, और बहुत सी कौमों में नौजवानों को देखते हैं, वो अपने खालिक को याद नहीं करते, जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन क्यों बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में ये कहा गया है कि अपने खालिक को याद कर, और वो भी खास दिनों में, खास वक्त में, खास टाइम पीरियड में, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। इन्वॉल्व करूंगा सबको। बहन सना सामने आ जाए, सना गिल,
جلدی سے سامنے آ جائیں. اس کے بعد ہمارے یوتھ لیڈر کہاں گئے ہیں؟ یوتھ لیڈر سامنے آ جائیں جلدی سے. رفاقت بھائی, کامران آپ بھی آ جاؤ. جوانی کے دنوں میں کیوں خالق کو یاد کریں؟ کیونکہ اس ٹائم جو ہے یہ فل انرجی کا ٹائم ہوتا ہے, تو ہمیں ساری انرجی جو ہے مسیح کو یاد کرنے میں یا خدا کی تھما وقاری میں گزارنی چاہیے. ساری انرجی تالیاں بجا دیں بہن کے لیے, بڑے اچھا آنسر دیا ہے. ساری انرجی اپنی جو ہے خدا کو یاد کرنے میں, اس کو وڈے آنے میں لگا دینی چاہیے. جی بڑھاپے میں تو ویسے ہی بندے کے پاس اور کوئی کام ہوتا نہیں, جو ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے اور انرجی بھی وہ نہیں رہتی. پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا تب تو وہ یاد کرتے ہیں, لیکن اس کے پاس جوانی میں آپشن ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو خدا کو چن لے چاہے تو شیطان کو چن لے. اس لیے جو ہے جوانی میں کرنا چاہیے. تھینک یو. ہمیں بڑھاپے میں سارے یاد کرتے ہیں لیکن جوانی میں کوئی کوئی ہے. جی رفاقت بھائی, کوشچن ہے, اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کیوں یاد کرنا ہے؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے اس کی. کیونکہ ہم جوانی میں تو ایسے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں, ہم عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں, ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. لیکن یہاں پہ خوبصورت آیت دیکھیے کہ جوانی کے ایام میں, جوانی کے دنوں میں یا ایام میں اپنے خالق کو یاد کر, کیونکہ ایک دن جو اس کا اگلا وہ ہے کہ لاسٹ میں آپ نے خدا کو ساتھ دینا, آپ جو بھی کریں. بہت اچھا جی, اگلے حصے پہ پہنچ گئے ہیں. بہت اچھا, وہ میں نے ڈسکرائب کرنا ہے, ابھی وہ آگے چلیں گے ہم. سو میرے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ ایسے ہے تاکہ وہ آپ کو سرفراز کرے. کیا کرے؟ جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کر تاکہ وہ تجھے سرفراز کرے, تاکہ وہ تجھے سربلند کرے. اور جوانی کے دنوں میں یاد کر تاکہ وہ تجھے عزت بخشے. بہت سے نوجوان ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں, وہ مختلف جو نشہ ہے اس کی لت میں لگے ہوئے ہیں, شراب نوشی ہے, سگریٹ نوشی ہے, اور بہت سے طرح طرح کی ادویات وہ یوز کرتے ہیں, ان کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لیکن جیسے ہی آپ اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے خدا کو جوانی کے دنوں میں یاد کریں گے, لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے. آمین. سو جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کر, خالق کو یاد کر تاکہ تیری عمر دراز ہو, تاکہ تیری عمر دراز ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنی جوانی کے دنوں میں یاد کر تاکہ تیری عمر دراز ہو, تاکہ مصیبت میں وہ تیرے ساتھ رہے. جب خدا کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ مصیبت میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے, تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے, مصیبت کے وقت میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہے, تاکہ اس کے نام کی پہچان ہو جائے. کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, ہماری زندگی بسر ہوتی رہتی ہے, ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, ہم یوتھ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم اور بہت سی ایکٹیویٹیز لائک کوائر میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور بھی کوئی کام کہا جائے تو ہم اس میں بھی بڑی جلدی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جلدی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن نام کی پہچان ہمیں پھر بھی نہیں ہوتی, کام ہمارے پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اور ایک اور ہے, نجات دیکھنے کے لیے, تاکہ وہ تجھے اپنی نجات دکھائے. میں حوالہ آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتا ہوں, زبور 91 اس کی 14 سے 16 آیت تک یہ آپ کو ساری باتیں ملیں گی.
उससे दिल लगा तो ये सारी चीजें तुझे मिलेगी। अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर तो तुझे निजात दिखाएगा। क्या दिखाएगा? निजात कौन है? यीशु मसीह। जरा जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारी निजात है, उसको हर कोई देखना चाहता है। तो अगर आपका दिल, अगर आपका ध्यान, अगर आपका फोकस, अगर आपका ख्याल आपका खालिक बन जाएगा तो आपको जरूर निजात मिलेगी। आमीन। जी, थोड़ी सी एडिटिंग की है, कोई बड़ा सीखने के लिए है, हालांकि ये अलाउड नहीं है। कलाम को कोई भी घटा या बढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए है ताकि हम इसे अच्छे से सीख सकें। आयत को मैंने यूं लिखा है, और अपनी को काट दिया मैंने, लिखा है और काशिफ जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि पूरे दिन हनूस नहीं आए। अपनी की जगह आप अपना नाम इंक्लूड कर लें और एनालाइज करें कि क्या मैं जवानी के अयाम में उसको याद कर रहा हूं या मैं उससे दूर हूं। एक और सवाल है जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान मैंने इसको एनालाइज किया, निकालने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करते हैं? हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करते हैं? फिर कॉल करूंगा, आप सब में से किसी को भी बुला सकता हूं। मेरी खुद कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रंट पे आए ताकि अच्छे से अच्छा हम सीख सकें। सो भाई सलीम अनायत वो भी सामने आ जाए, ये बहन जिन्होंने आज हवाला पढ़ा था जबूर का वो भी सामने आ जाए, जल्दी से सामने आ जाए। और ये एक सवाल है, लेकिन हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करते हैं? इसका आंसर हमने सीखना है, हमने जानना है। भाई साजिद सलीम आप भी सामने आ जाए। सवाल है हमारे पास, लेकिन हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करते हैं? जी, हम अपनी जवानी के दिनों में हर बुरा काम करने की कोशिश करते हैं। हर बुरा काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जवानी के दिनों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीजों में लगे रहते हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत से। आजकल तो एक और बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, टिकटॉक। हाँ जी, टिकटॉक। अपनी जवानी के दिनों में ऐश ओशरत करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जो है वो ख्वाहिश करते हैं और फुल टाइम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। अपनी जवानी के दिनों में फुल टाइम एंजॉय। लेकिन बाइबल क्या फरमाती है? जरा ऊंचा पढ़ दे, सबको नजर आ रहा है। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी से भाग और अपने खालिक को याद कर। किसको याद कर? अपने खालिक को याद कर। अपनी जवानी के अयाम में अपने मालिक को याद कर, अपने दादा को याद कर जो तुझको हर एक चीज से नवाजता है, जो तुझे हर चीज मुहैया करता है, जो कहता है मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा, उसको याद कर, क्योंकि वही तेरा खालिक है, वही तुझे निजात देना जानता है। और एक और बात, हम अपनी जवानी के दिनों में क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं। बाइबल कहती है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी की
अगर हम बुरे कामों में रहेंगे, अगर हम बुरी सोबतों में रहेंगे, अगर हम बुरे ख्यालों में रहेंगे, अगर हम बुरी सोबतों से नहीं निकलते, तो हमारी जवानी की हकारत होगी। और खुदा का कलाम कहता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जी प्रिया आ जाओ, और बच्चे भी जितने थे उनको ले आओ जल्दी से। अब कुछ खास चीजें जो मैं आपसे पूछने को आया हूं वो ये है कि वसीम भाई अब खड़े हो जाए, अब खड़े हो जाए। एक जवान का कोई ना कोई गोल होता है, उसका कोई मकसद होता है। आप की जिंदगी में कोई ऐसा मकसद जो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पूरा होना चाहिए था? खुदा की राह से चलना चाहता हूं, की राह में चलना चाहता हूं। और दुनियावी तौर पर अगर आपका कोई गोल हो, दुनियावी तौर पर जो कोई गोल है, डॉक्टर बनना या कोई इंजीनियर बनना, जैसे लोग पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं जवानी के अयाम में, आर्मी में जाना चाहता था जी। इसी तरह हमारे पास बेटी है रिस्पा, रिस्पा जल्दी से खड़ी हो जाओ। हर एक का कोई ना कोई एम है, कोई ना कोई गोल है। जी रिस्पा, डी फार्मेसी करना चाहती है। रिस्पा जो है वो डी फार्मेसी करना चाहती है। इसी तरह वो आगे जिंदगी में बढ़ना चाहती है, लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए उसको एक वक्त लगेगा, एक टाइम लगेगा। इसी तरह हमारे साथ एक और बेटी है, क्या नाम है आपका, जल्दी से खड़ी हो जाओ। आपका जिंदगी में क्या एम है, क्या गोल है? खुदा के साथ चलना, खुदा की खिदमत करना, उसके साथ साथ चलना। हमारे साथ बेटी है, क्या नाम है आपका, जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्नेहा, स्नेहा है हमारे साथ जी। डॉक्टर बनना बड़ा अच्छा गोल है जी, डॉक्टर बनना। क्या एम है? डॉक्टर बनना। हमारे पास पास्टर सॉरी आप खड़े हो, पास्टर इरफान से पूछने लगा था जी, क्या गोल है आपका? क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर। और हमारे पास बहन अना है, बहन अना से फिर से पूछ लेते हैं। जी बहन अना, मैं कोयटा की पहली हीलर वुमेन बनना चाहती हूँ। हीलर वुमेन बनना चाहती हैं, जबरदस्त, सबके लिए तालियां बजा दें। जी मुख्तलिफ गोल्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, जिनको वो अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर एक शख्स है उसका फेस, उसका चेहरा अगर वो सूरज की तरफ करता है तो वो उसका साया कहां आएगा? उसके पीछे आएगा। अगर वो सूरज को देखता है तो उसका साया उसके पीछे है, और अगर वो सूरज की तरफ बैक करता है तो उसका साया कहां आएगा? उसके आगे आ गया। और जब हम दुनिया की चीजों को तलाश करते हैं तो वो हमसे आगे भागती हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ते हैं तो वो दुनिया की चीजें जितनी है वो हमसे आगे बढ़ रही हैं, वो हमसे चाहती हैं कि वो हमसे भागे। लेकिन जैसे ही हमारी नजर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होती है, जो हमें कामिल करता है, जो हमें मुकम्मल तौर पर शाद करता है, तो ये दुनिया की चीजें आपके पीछे होंगी।
जैसे ही आप खुदा के नाम को बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये दुनिया की चीजें आपके पीछे हैं। भले आप जितना मर्जी भागते हैं, भले आप जितना मर्जी खुदा की राह को हासिल करते हैं, खुदा आपको ये सारी चीजें जो आपकी अचीवमेंट्स है, जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आप एक नेवी या किसी आर्मी पर्सन बनना चाहते हैं, तो खुदा आपको सारी चीजें मुहैया करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है खुदावंद में मसरूर रहे, कब पूरी करेगा? जब खुदावंद में मसरूर रहेंगे, जब खुदा के नाम को याद करेंगे, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। एक और आयत है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी। क्या चीज? बादशाही और रास्तबाजी। पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में कोई भी एम है, कोई भी सोच है, कोई भी आपकी जिंदगी में प्लान है, फकत आप अपने खुदा को याद करें तो वो आपको क्या होगा? मिल जाएगा। जब आप अपने मालिक को याद करेंगे, उस पर निगाह करेंगे, तो वो आपकी जिंदगी में हर आपकी दिल की मुराद को पूरा करेगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं।